कॉम्बोज अच्छी चीज़ होती है ना, और अगर वो कॉम्बोज लिपस्टिक के बारे में हो तो और भी अच्छा, बिकॉज मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं आई नो हु आर फॉन्ड ऑफ लिपस्टिक. सो हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ अंशिका. वापस से स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट में. और आज का मेरा वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, एक कॉम्बो का रिव्यू है, और वो कॉम्बो लिपस्टिक कॉम्बो है. सो जिस कॉम्बो की मैं बात करने वाली हूँ वो कॉम्बो मैंने परचेज किया है शुगर कॉस्मेटिक की ऑफिशियल साइट से. और अगर मैं बात करूँ तो वो कॉम्बो मुझे कुछ एक वीक में डिलीवर हो गया. एंड स्टार्ट करते हैं उस कॉम्बो के रिव्यू के साथ. तो वो मुझे एक ब्लैक पैकेजिंग में आया था, जैसा कि नॉर्मली शुगर का बॉक्स का पैकेजिंग होता है. उसके अलावा ये उसके अंदर मुझे एक क्यूट सा बैग मिला है मस्टर्ड कलर, बिकॉज मस्टर्ड कलर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर. ब्लैक के अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कलर है दैट इज़ मस्टर्ड. तो मुझे इसलिए बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया. काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, एंड ऑन द सेम हैंड काफ़ी सारा सामान आप इसके अंदर रख सकते हो, बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्पेशियस. ये बैग था. उसके बाद मुझे जो बॉक्स रिसीव हुआ है लिपस्टिक का, दैट इज़ दिस. अच्छा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इसमें जो कॉम्बो की बात कर रही हूँ, दिस इज शुगर की मिनी लिपस्टिक्स. ओके, एक्चुअली मैं वैसी इंसान में हूँ जिसे क्वांटिटी से ज़्यादा ना वैरायटी बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब मुझे अलग अलग शेड्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है लिपस्टिक के. इसलिए मैं इस कॉम्बो पे गई. और सबसे पहले स्टार्ट करूँ अगर प्राइसिंग के साथ, तो प्राइसिंग में ये 799 का मिला, जिसमें मुझे चार डिफरेंट शेड्स मिले, और एक छोटा सा लिपस्टिक का शेड जो है वो उन्होंने मुझे चेकआउट के टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया. अब मैं स्टार्ट करूँ तो जो चार शेड्स की मैं बात करने वाली हूँ, वो चार शेड बहुत ही प्यारे शेड्स आए हैं शुगर के. सबसे पहले मैं इस लिपस्टिक की पैकेजिंग आपको दिखाना चाहती हूँ. दिस इज़ ऑफ दिस साइज़. ये 1.25 ml का प्रोडक्ट है. इट इज़ क्वाइट सफिशियंट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आप अगर वैरायटी को प्रेफरेंस देते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. अब अगर मैं शेड्स की बात करती हूँ तो एक एक करके मैं आपको सारे शेड्स दिखाती हूँ कि कैसे शेड्स आए हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट शेड, दैट इज़ द शेड 30. 30 शेड की बात करूँ तो मैं इसका टेक्सचर, मैंने इस लिपस्टिक का रिव्यू पहले भी कर चुका है. इफ़ यू वांट मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी ताकि आप उसको चेक कर पाए. इफ़ यू कैन चेक, दिस इज़ द कलर. ये बहुत ही प्यारा थोड़ा सा डार्कर पिंक कलर है. इसके टेक्सचर की बात करें तो ये थोड़ी देर में बिल्कुल मैट फिनिश ड्राई हो जाता है, और इसकी लास्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, लाइक 4 to 5 hours यू कैन से ऑन माई लिप्स. क्योंकि मुझे मेरे लिप्स पे 4 to 5 hours है, तो नॉर्मली इट कैन लास्ट अप टू 7 to 8 hours तक इसका लास्टिंग होगा अच्छे से. तो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल पिंक शेड है, यू कैन चेक दिस. सेकेंड शेड की अगर मैं बात करती हूँ तो जो उसने मुझे सिलेक्ट करके मुझे मिला है, दैट इज़ द शेड नंबर 10, दैट इज़ ड्रॉप डेड रेड. अब मैं सबसे पहले आपको ये शेड, ये कलर दिखाती हूँ. इट्स अ प्रॉपर ब्लड रेड कलर. बहुत ही प्यारा रेड कलर आता है मस्त से. इफ़ यू आर इन अ सर्च ऑफ अ वेरी डेडली रेड कलर, सो दिस शेड इज़ फॉर यू गाइस. बहुत ही प्यारा शेड है. और या ये इंडियन ड्रेसेस और वेस्टर्न ड्रेसेस दोनों के साथ बहुत ही सूट करता है. तो जो थर्ड शेड की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट शेड फ्रॉम शुगर. शुगर बहुत ही वाइब्रेंट शेड्स बनाता है मस्त से, एंड दे आर वेरी डार्क एंड डिफरेंट कलर्स. एंड एक और बात मैं कहना चाहूँगी, इसके जो सारे शेड्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो मैं आई विल बी टेलिंग यू, सारे बोल्ड कलर्स हैं. सो द गर्ल्स हु लव बोल्ड कलर्स, दिस इज़ फॉर यू. Now the next shade that I am talking about is 08. It's wine and shine. Let me show you the color of this shade. You will be fan of this shade. Seriously, I am going to tell you. Yeah, one second. See, what a dark wine color it is. It's very nice shade. And बहुत ही ज़्यादा pop highlight होता है आपके lips पे ये. So very beautiful shades.
और लास्ट बट नॉट लीस्ट जिस शेड की मैं बात करने वाली हूँ वो है इन द शेड 01 ब्रेजन रेजिन. ये भी रेड की तरफ एक शेड है बट ये थोड़ा डार्कर रेड है. अब मैं अगर आपको दिखाती हूँ इस शेड का कलर, या द लास्ट वन, दिस वन इज द ब्रेजन रेजिन. तो ये चार जो थे बहुत ही ब्यूटीफुल शेड हैं. मैं सबका नाम विद द लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी. एक लास्ट शेड जो इन्होंने मुझे फ्री दिया है इसके साथ, इट्स द शेड नंबर 09. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द शेड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताती हूँ. अगर मैं इस शेड का आपको कलर दिखाऊँ, सो या द फर्स्ट वन, दिस वन, ये थोड़ा सा लाइटर शेड है. एक्चुअली मैं इस शेड के बारे में आपको बोलना चाहूँगी कि ये मेरे स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया. सो इफ़ यू हैव अ स्किन टोन टुवर्ड्स फेयरर तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा. बट इफ़ यू हैव अ स्किन टोन टुवर्ड्स लाइक वीटिश और डार्कर, सो आप इसके अलावा और कोई शेड यूज़ करो, बिकॉज यू कैन गो फॉर द डार्कर शेड्स, रेड, वाइन, दैट विल गो fab on you. So ये रहा मेरा दिस छोटा सा मिनी कॉम्बो का रिव्यू. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, डू चेक आउट ऑन द ऑफिशियल साइट ऑफ शुगर कॉस्मेटिक. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोज़ को मिस ना करें. एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.